Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Imran Shahbaz. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो NVQ Level 5 National Vocational Qualification Level 5 Diploma in Occupational Health and Safety Practice के हवाले से है. और उसमें जो सब टॉपिक है वो evidences हैं. Evidence है क्या? Evidence किस टाइप का हो सकता है? Evidence collection कैसे हो सकती है? और again why you need evidences? तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं NVQ Level 5 Diploma के हवाले से, तो NVQ Level 5 Diploma in Occupational Health and Safety Practice जो है ये Vocational Qualification है. Vocational Qualification में हमेशा आप अपने experience, आप अपने skills, आप अपने knowledge की basis के ऊपर जो है वो explanation देते हैं और evidences जो है वो support करने के लिए दे रहे होते हैं. अब सबसे पहले तो evidences ज़रूरी क्यों है? देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं कि जी मेरा जो है वो मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरी क्वालिफिकेशंस ये हैं, मुझे इतना नॉलेज है, मैंने ये चीज़ डेवलप की थी, मैंने इंस्ट्रक्शंस बनाई थी, मैंने प्रोसीजर बनाया था, तो आपको प्रेजेंट भी करना पड़ेगा ताकि आप सपोर्ट कर सकें अपनी स्टेटमेंट को, रिफ्लेक्टिव बताऊँ. दिस इज वाई यू नीड एविडेंसेज. अब जब हम बात करते हैं तो एविडेंसेज जो है वो किस किस तरह की चीज़ों को हम एज एन एविडेंस कंसिडर कर सकते हैं. आपके जितने भी ईमेल्स कॉरेस्पॉन्डेंस है आपके ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी, वो एविडेंस के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है. आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी, वो एविडेंस के तौर पे कंसिडर की जा सकती हैं. आपके जितने भी जो जिसे कहते हैं ना मेमोज हैं, इंटरनल मेमोज ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी, वो कंसिडर किए जा सकते हैं. आपकी जितनी भी ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन हैं वो कंसिडर की जा सकती हैं. आपकी जितना भी टूल बॉक्स टॉक रिकॉर्ड है वो कंसिडर किया जा सकता है. आपके जितने भी मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो रिकॉर्ड के तौर पर कंसिडर किए जा सकते हैं. आपके जितने भी इंस्पेक्शन रिकॉर्ड हैं या इंस्पेक्शन चेकलिस्ट हैं जो आपने कैरी किए हैं, वो रिकॉर्ड के तौर पर कंसिडर की जा सकती हैं. आपके जितने भी हेल्थ सर्विलेंस रिकॉर्ड्स हैं वो कंसिडर किया जा सकते हैं. आपके जितने भी ऑडिट रिकॉर्ड्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, वो कंसीडर किए जा सकते हैं. आपके जितने भी इक्विपमेंट आइटम चेकलिस्ट्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं या डेटाबेस है, वो कंसीडर किया जा सकता है. आपके इसके अलावा जितने भी जैसे कहते हैं ना फॉर्म्स जो हैं आपके रिकॉर्ड के लिए, वो कंसीडर किए जा सकते हैं. देयर कुड बी सेवरल एविडेंसेस, बट टिपिकल जो एविडेंसेज हैं उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको कोट की है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जब आप अपना एनवी को रिफ्लेक्टिव अकाउंट लिख रहे हैं और उसके साथ जो है वो आप रेफर कर रहे हैं किसी भी एविडेंस को. हर क्वेश्चन या क्राइटेरिया के लिए डिफरेंट एविडेंस जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं. जो आपके वर्क प्लेस ही होगा, जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसी में से आप लेके जो है वो दे रहे होंगे, जो आपने रिकॉर्ड कीपिंग की है उसी में से शो कर रहे होंगे अपनी स्टेटमेंट को शो करने के लिए. अब अगर रिफ्लेक्टिव अकाउंट जो है उसके साथ एविडेंसेस जो है वो आपके अच्छे एविडेंसेस जो है वो सपोर्ट के लिए आप देंगे, तो इट विल एक्चुअली गिव एन अंडरस्टैंडिंग टू असेसर के जी आपने अपना जो एलैबोरेट किया है रिफ्लेक्टिव अकाउंट के अंदर के जी मैं ये काम कर रहा हूँ, इस तरह से कर रहा हूँ, ये चीज़ें उसका एविडेंस है और उसकी सपोर्ट के लिए एविडेंस जो है वो साथ प्रोवाइड कर दिए हैं. इट विल हेल्प यू टू पास योर असाइनमेंट और यूनिट इन टर्म्स ऑफ फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी वोकेशनल क्वालिफिकेशन. आई होप सो गाइस के एविडेंसेस के ऊपर जो है वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हुई होगी. और एविडेंसेस कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो बाहर से लेने हैं, एंड होप के आप अपना वोकेशनल क्वालिफिकेशन में एविडेंसेस अच्छी तरह कलेक्ट कर सकेंगे. थैंक यू सो मच.